नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर बिहार के पटना से है, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई सांसद और विधायक मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान पशुपति पारस ने कहा कि वो मरते दम तक एनडीए के साथ रहेंगे और हाजीपुर से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार 40 सीटों पर एनडीए बिहार में एनडीए 40 सीटों पर जीतने जा रही है। परिषद की बैठक हुई, इसमें दोबारा फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पशुपति कुमार पारस जी को हम लोग चुने हैं और बहुमत से सब लोग बहुत खुश हैं। और इस बार हम लोग को ये लगता है कि पांचों सांसदों के साथ और ज़्यादा हम लोग विस्तार कर पाएंगे, पार्टी का विस्तार कर पाएंगे। अगली लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटों पे मोदी जी के गारंटी के साथ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बहुत अच्छा से काम कर पाए। हाजीपुर की सीट के लिए तो मैंने अभी स्टेज में सबके सामने मैंने बोल ही दिया हाजीपुर किसका है, हमारा है और हमारे मंत्री जी वहाँ से सांसद है, तो हाजीपुर इज़ नॉन निगोशिएबल, सबको पता है। फिर भी लोग उस पर ही घुमा घुमा के एक ही सवाल करते हैं, बिकॉज जवाब एक ही मिलेगा, हाजीपुर से कौन लड़ेंगे, हमारे सांसद श्री पशुपति कुमार पारस जी। इधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही। कांग्रेस से नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस से पीछा छुड़ा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान के बाद महेंद्र सिंह मालविया के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी नेता मदन प्रजापत से खास बातचीत की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि आज पूरे दिन भर एक सुख बुगाहट सी राजनीति के हलकों में चलती रही। जी हाँ, कल तक जहां सिर्फ जो राजनीति थी वो सिर्फ राजस्थान तक सिमटी हुई थी, अब वो राजनीति राजस्थान से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से दिल्ली तक जा टिकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान से बिलोंग करने वाले महेंद्र सिंह मालवीय के बीजेपी में आने की अटकलों पर, और कांग्रेस के एक और वरिष्ठतम नेता जिन्होंने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के साथ काम किया है, यानी कि उन्होंने लगभग अगर नेहरू जी को छोड़ दें तो पूरे गांधी परिवार के साथ उन्होंने काम किया है। जब जब गांधी परिवार मुसीबत में आया तब वो साथ में खड़े थे एक पर्वत की तरह, और आज दिन भर से उनके और उनके पुत्र की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें ज़रूर चल रही हैं। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मदन जी मौजूद हैं। मदन जी, कल तक तो जो राजनीति कहीं ना कहीं दल बदलने की, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, महेंद्र जीत सिंह मालवीय के इर्द गिर्द घूम रही थी, आज वो यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से दिल्ली तक जा पहुँची है। क्या लगता है आपको कि इतने सीनियर लीडर जिन्होंने अपनी, हम कह सकते हैं, एक उम्र निकाल दी है पार्टी के अंदर, आज उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है या वो छोड़ने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस अब क्या है कि डूबता जहाज हो गया और कांग्रेस एक परिवार और वंशवाद तक सीमित हो गया, जिससे कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने लगी। अनुभव का जो तवज्जो था वो कांग्रेस में नहीं लिया जाता है, युवा जोश की जो क्षमता है उसको कांग्रेस नहीं लिया जाता। बात तो करती है कांग्रेस, लेकिन ये सब करती नहीं है, और स्थिति आज की तारीख में यहाँ आके खड़ी हो गई है कि इनकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी अपनी परंपरागत सीट को छोड़ के और राज्यसभा द्वारा अपना अस्तित्व बचाने में लग रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल इसलिए टूटता है कि आज जो इनके नेता है राहुल गांधी, उनको 13 बार लॉन्च किया और 13 के 13 बार जनता ने नकार दिया। अब उनकी स्थिति है कि वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं। क्या बोला गुलाम नबी आज़ाद ने जब छोड़ के गए थे कि जब भी कोई बात करने जाते हैं तो इनके निर्णय जो है वो इनके गनमैन लेते हैं। क्या बोल रहे हैं अशोक चौहान कि जब भी मैं जाता हूँ कांग्रेस को खड़ा करने की बात करता हूँ तो सुनाई नहीं होती है। आज महाराष्ट्र में स्थिति हो गई कि कांग्रेस के पास में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है, तो जब भी छोड़ के गए, चाहे जतिन प्रसाद ले लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लो, सुनील जाखड़ ले लो, जितने नेता गए उन्होंने सिर्फ एक ही आरोप लगाया कि हमारी बात कांग्रेस में किसी प्लेटफॉर्म पे सुनी नहीं जाती है, और कांग्रेस में अब जो है वो दम घुटने लग गया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने किस तरीके से कांग्रेस को सारे आईना दिखाया, और दिखाने के बाद में कांग्रेस आत्ममंथन और आत्मचिंतन नहीं करना चाहती है, सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, एन कैन प्रकार से राहुल गांधी को उनको इस्टेब्लिश करना है,
तो जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होएगी तो यही स्थिति आके खड़ी होएगी, यही परिस्थितियां उत्पन्न होएगी। कांग्रेस 150 साल पुरानी है, लेकिन आज जिस स्थिति से, जिस चीज़ से गुजर रही है, आज कांग्रेस में ना नेता है, ना नेतृत्व है और ना नियति है। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि राम को नकारना कांग्रेस के आलाकमान द्वारा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, क्योंकि देश इस समय राममय है? देखिए, कांग्रेस ने जितना आज़ादी के बाद में या देश में राज किया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ थी वोट के लिए तो वो था तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के चलते इन्होंने तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सुविधा के अनुसार धर्म परिवर्तन करते हैं, सुविधा के अनुसार राम को मानने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो राम के अस्तित्व को नकार दिया था। जब राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन का इनको निमंत्रण मिला तो उसको भी इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को, एक मुट्ठी भर वोट बैंक को साधने के लिए मना कर दिया था। तो वो उस विषय के ऊपर बात करना मैं समझता हूँ अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये तो सत्य है कि जिस देश के अंदर प्रभु श्री राम का हो और राम में ही होने के बाद में अगर आप नकारोगे तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। वो निश्चित रूप से राम ने इनको बुलाया नहीं है या राम मंदिर गए नहीं, ये विषय तो देखने वाला है। लेकिन मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि आज फिर कहूँगा मैं आपको, कांग्रेस का कोई विज़न नहीं है, कांग्रेस का कोई आगे जनाधार नहीं है। अब इस देश से कांग्रेस एक इतिहास बनने वाली है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी कांग्रेस युक्त होने लगी है। क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, वरिष्ठ नेता है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी की ही पावर बढ़ रही है, बीजेपी का ही कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन जो सालों साल जो कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है, अगर कोई इस प्रकार से कोई बड़ा नेता आता है बीजेपी में और उस कार्यकर्ता की अगर अनदेखी होती है तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता की कहीं अनदेखी नहीं है कि हम तो दीनदयाल उपाध्याय जी की पदचिन्हों पर चलते हैं। जो वो बोलते थे, वो कहते थे कि जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे साथ आए, जो हमारे साथ है वो कार्यकर्ता बने, जो कार्यकर्ता है वो नेता बने। यही संगठन का मूल मंत्र है और इसी संगठन के मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। किसी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होती है। ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सभी से सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक निर्णय होने के बाद में लोग बैठ के तय करते हैं कि किसकी क्या भूमिका रहेगी, मेरी क्या भूमिका रहेगी, किसी को चुनाव में जाना है, किसी को संगठन में जाना है। तो ये सब एक परिवार है और परिवार में उनके कार्य देख के होते हैं। मैं फिर कहूँगा, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है जहाँ पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। यहाँ पे एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भजनलाल जी सूबे के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है, गुजरात में देखा है। तो ये बहुत सारे उदाहरण इस तरीके के, और इन्हीं उदाहरण के चलते हुए आज दूसरे लोगों का भी हमें विश्वास और हमारी विचारधारा के अंदर विश्वास जागृत हुआ है। निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। कुनबा बढ़ता है, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है, आपकी चीज़ें भी बढ़ती है। तो उनसे इन चीज़ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी लालच, लोभ लालच में आके काम नहीं करता। हम सेवाभावी लोग हैं, हम सत्ता को सेवा समझ के और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब को गणेश मान के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी, और हम तो वसुदेव कुटुंब वाले लोग हैं, सबका हमारे यहाँ स्वागत है। इसमें कोई आपत्ति किसी कार्यकर्ता को नहीं होगी। गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं और सत्ता को भी एक सेवा के रूप में लेते हैं, और जाहिर सी बात है यही पार्टी की रीति नीति है, यही पार्टी की आइडियोलॉजी है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक भी सरकार की योजना पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक बैठा हुआ व्यक्ति, पात्र व्यक्ति सरकार की हर योजना से लाभान्वित हो, यही पार्टी का मूल उद्देश्य है। और जो भी लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी खुले दिल से उनका स्वागत कर रही है, और इससे बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भाजपा के अंदर कुछ भी हो सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। श्री गंगानगर के पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्री, राजनीति के पुरोधा राधेश्याम का निधन हो गया है और अब वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। गांव में उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उनकी अंतिम यात्रा में विभिन्न वर्गों, धार्मिक, व्यापारिक सहित विभिन्न संगठनों और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि राधेश्याम श्री गंगानगर से 4 बार विधायक और कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इधर जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्र विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में मोदी जी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के निदेशक ने उनके इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया। तभी से बेरोजगार हुए युवा वर्तमान भजन लाल सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको वापस बहाल किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर
राजधानी के शहीद स्मारक पर 37 दिन से धरने पर बैठे राजीव गांधी युवा मित्रों से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की है। शहीद स्मारक पर एक बार फिर हम आए हैं, हमारे साथ में राजीव गांधी युवा मित्र यहां पर मौजूद हैं। कई दिनों से ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश ये कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इस संघर्ष में इनके एक साथी की जान भी चली गई है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राजीव गांधी युवा मित्र आप अपने आप को बोल रहे हैं सब लोग, और पिछली सरकार में आप लोगों के पास रोज़गार भी था, सबसे पहला और सवाल जनता भी जानना चाहती है क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भ्रमित है, कन्फ्यूज है। सबसे पहले तो राजीव गांधी युवा मित्र में जब आप नहीं थे तब आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, जब हम राजीव गांधी युवा मित्र नहीं थे तब एक अखबार में विज्ञप्ति आई थी, उस विज्ञप्ति के माध्यम से हमने फॉर्म भरे। उस फॉर्म के भरने के बाद में बहुत से लोगों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 1,00,000 से ऊपर राजस्थान में फॉर्म आए थे, उनमें से नहीं सॉरी फॉर्म बहुत ज़्यादा आए थे, 1,00,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद उन लोगों ने जब सेलेक्ट किए तो उनके लिए विज्ञप्ति में क्या आया था? विज्ञप्ति में यह आया था कि भी जो ये कार्यक्रम है राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप, और इसमें उम्र इतनी चाहिए, जो शिक्षा का उम्र 40 साल तक की मैक्सिमम मांगी थी, और 21 से 40, और 12वीं मैक्सिमम कम से कम 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए, और जो RSCIT का भी था जो अलका जान होना चाहिए था, तो वो और वो हमने जब फॉर्म लगाया तो जब इंटरव्यू हुआ, वो जनरल भर्ती थी, जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के माध्यम से जब सवालात पूछे गए उसमें RS लेवल के अधिकारियों ने हमारा इंटरव्यू लिया। किस प्रकार के सवाल थे? जैसे कि भाई सरकार की योजनाएं, जो जनकल्याणकारी योजनाएं थी, कि चिरंजीवी योजना में इस टाइम पे बीमा कितना है, जो फैमिली कवर कितना है, आधार कार्ड कितने नंबर का होता है, व्यक्तिगत पहचान संख्या कितने नंबर की होती है, और जो भी जो सरकार से जुड़ी योजनाएं थी उनके बारे में तमाम सवालात थे। और उन इंटरव्यू पूरे होने के बाद लगभग 1 महीने तक सभी जिलों के इंटरव्यू चले। इंटरव्यू पूरे होने के बाद कॉल किया गया और हमारी टर्निंग हुई थी 6-6 दिन की। उस टर्निंग के बाद में एक रिटर्न पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का, उस पेपर में पास होने के बाद हमारी नियुक्ति तय की गई, और हमारी नियुक्ति की मॉनिटरिंग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दी गई। BSO कार्यालय जो होते हैं, ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय जो तहसील मुख्यालय पर होते हैं, वहाँ पर हमारी नियुक्ति दी गई, और अंडरटेकिंग हम आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के थे। कितने लोगों को चयनित किया गया था? प्रथमतः हमको 2500 को चयनित किया गया था, और दूसरे फेज में फिर 2500 की जगह निकली थी, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे जब पहले भर्ती हुई थी, जब ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, और एक अशोक स्तंभ के नीचे हमें नियुक्ति मिली थी, बकायदा हमें ID कार्ड जारी हुआ था, और हमारा काम था सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी साथ साथ हम जनकल्याणकारी योजनाएं, जो लास्ट अंतिम छोर तक व्यक्ति बैठा है जिसे समझ नहीं थी कि योजना का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, पहले तो हम चिन्हित करते थे कि वो लाभार्थी है या नहीं, अगर लाभार्थी है तो उसके साथ ले जाकर उसको ई मित्र पर ले जाते थे या संबंधित विभाग में ले जाते थे, और उसको उस योजना का लाभ दिलवाते थे, लाभान्वित करते थे, ये हमारा कार्य था। देखिए, अभी आज हमारे धरने को 36वां दिन, हम गांधीवादी तरीके से हमारी मांग को मान रहे हैं, तो आपके माध्यम से भी हम तो यही कहना चाहते हैं कि भजन लाल जी इन 5,000 परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले, और जो भी हम तो अभी गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो राजस्थान के किसी भी कोने से इन युवा मित्रों की चिंगारी जो फूटेगी वो एक ज्वालामुखी का रूप लेकर उभरेगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका भारी खामियाजा BJP पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ राजीव गांधी युवा मित्र थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि एक सरकारी जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत इनका चयन किया गया, इन्हें नियुक्ति दी गई, और इन्होंने अपनी तरफ से अपना काम बेहतर किया है, और पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से इन्हें जो नौकरी जो इन्हें प्रदान की गई थी, भले ही वो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का हो, लेकिन हर एक लाभान्वित को उसका हक इन लोगों ने दिलवाया। यही काम इन्होंने कहा है कि जब हम गहलोत सरकार की गारंटी हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो हम मोदी की गारंटी भी और लोगों तक पहुँचा सकते हैं।
सकते हैं। तो भजन लाल सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक साथी इनका ये लोग खो चुके हैं, 36 दिन इन्हें लगभग हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए गांधीवादी तरीके से, ये लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो इन्हें कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार करना पड़ सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेश टीवी, जयपुर। सीकर स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में एक श्याम भक्त चंद्र प्रकाश ढांढर श्याम निशान चढ़ाने के लिए 67,500 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके श्याम धाम आया है। बता दें कि भक्त 51वीं बार पदयात्रा कर श्याम के धाम आया है और कल यानी कि 19 फरवरी को वो बाबा के दरबार में जाकर अरदास करेंगे। चंद्र प्रकाश ढांढर की 51वीं पदयात्रा पूरी होने पर खाटू श्याम जी में भारत के अनेक भजन सम्राटों के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस भजन संध्या में श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और मंत्री श्याम सिंह चौहान सहित सालासर मंदिर के पुजारी भी मौजूद रहेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी की 1015वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वंचित शोषित के अधिकारियों ने कुशीनगर स्थित बुद्धा पार्क में महारैली की गई। रैली को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि इतिहासकारों ने हमारे पूर्वजों का इतिहास नहीं लिखा, इसलिए हमें महाराजा के बारे में पता नहीं है। राजभर ने आगे कहा कि महाराजा ने 18 साल की उम्र में ही बहराइच की गद्दी संभाली थी और आक्रमणकारियों को मार भगाया था। क्या उद्देश्य था? देखिए, आज के लगभग 1000 साल पहले बगल का जिला बहराइच है, देवीपाटन मंडल का, महाराजा सुहेलदेव जी 1009 में पैदा हुए शासक थे। 18 साल की उम्र में 1027 में शासक हुए। जब वो राजा थे तो ये भारत 585 राजा हुआ करते थे, पूरे भारत में छोटे छोटे राजा होते थे, उसी में महाराजा सुहेलदेव जी थे। तो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर राज करने के लिए, भारत को अपने कब्जे में करने के लिए तमाम राजाओं को हराते मारते पीटते जब बहराइच पहुंचा तो महाराजा सुहेलदेव जी ने उस आताई जुल्मी को नानपारा मैदान बहराइच कुटला नदी के किनारे 1.5 लाख सेना सहित वहीं नेस्तनाबूद कर दिया। 157 साल तक लगातार भारत पर कोई आंख नहीं दिखाया विदेशी आक्रमणकारी। ऐसे वीर योद्धा जो देश के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा, ऐसे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इतिहासकारों ने भुला दिया। तो उनके इतिहास को उजागर करने के लिए हम लोग उनकी जयंती पर, उनके विजय दिवस पर 10 जून को, जो 1034 को उन्होंने विजय हासिल की थी, तो दोनों कार्यक्रम हम लोग पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हम लोग। खबर श्री गंगानगर से है जहां राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर विधिक जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया और रन फॉर लीगल एड इवेंट नाम दिया गया। जिला और सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने इसे हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। खबर पाली से है जहां पदभार ग्रहण करने के साथ ही संभागीय आयुक्त एक्शन मूड में आ गई। अचानक जिला मुख्यालय के सबसे बड़े अस्पताल का आयुक्त प्रतिभा सिंह औचक निरीक्षण करने पहुंची। इसके बाद अतिरिक्त अधीक्षक आर विश्नोई के साथ बांगड़ अस्पताल की विभिन्न व्यवस्था की उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी के अंबार को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की और व्यवस्था सुधारने के तुरंत निर्देश दिए। जिला अस्पताल बांगड़, उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। लगभग 2 घंटे के करीब से हम लोग इसको देख रहे हैं व्यवस्थाओं को। तो जो प्रथम दृष्टा जो देखने में आया है वो ये है कि साफ सफाई की व्यवस्था में अभी गुंजाइश है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा लेबर रूम देखा गया है, ऑपरेशन थिएटर्स देखे गए हैं, वार्ड्स अलग अलग वार्ड्स में जाकर वार्ड्स में जो पेशेंट्स हैं उनसे बात की गई है और उनके जो परिजन हैं उनसे बात की गई है और जानकारी ली गई है कि क्या जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश हैं, क्या उसके मुताबिक दवाइयां, इलाज उनको सही तरीके से मिल रहा है।
इधर अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से 2 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि बेटी की शादी के समय पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर मैरिज होम गया था और चोरों ने इस दौरान इसका फायदा उठाकर घर का ताला तोड़कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हालांकि चोर को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ जारी है। दिनांक 14 तारीख को 14 फरवरी को ही हमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कोई चोरी की वारदात हुई है खेपरा मोहल्ले में। मौके पे गए तो वहाँ ताले वगैरह टूटे हुए थे और प्रबंधन ने FIR कराई है और उस पर कार्रवाई करते हुए हमने एक दीपू और पौना गुजर जो खेपरा का ही है उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से जो चोरी में उसने जेवरात वगैरह चुराए थे पैसे हैं वो सारे बरामद किए। अलवर शहर UIT के द्वारा तिजारा पुलिया को तैयार किया गया जिसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नवतेज टीवी के संवाददाता दीक्षित कुमार ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2010 में इस पुलिया का निर्माण किया गया। यहां से जब बड़े वाहन निकलते हैं इसकी वजह से यहां पर दरारें आनी शुरू हो गई हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द ही पुल की मरम्मत करवानी चाहिए, नहीं तो कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है जिसका खामियाजा जिला प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। अलवर शहर में तिजारा पुलिया पर UIT द्वारा बनाए गए पुल को दिखाना चाहूंगा कि ये पुल की दरारें आ रही है, यहाँ पे कभी भी ये पुल गिर सकता है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। ये आरोपी 2009-10 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और लंबे समय तक ये आरोपी विवाद में ही रहा। साइडों की दुकानें भी तोड़ी गई, उसका भी कोई फर्क नहीं, लेकिन इसकी क्वालिटी पर पुरुष संदेह रहा। अब आप देखिए इसके जो सूखे है इनमें से सूखी रोड़ी सूखी मिट्टियां निकलना स्टार्ट हो गई है। उनमें जगह जगह पर दरार आ चुकी है। प्रशासन से आग्रह है कि समय रहते संज्ञान लिया जाए ताकि कोई बड़ी जनहानि होने से बच सके, क्योंकि इस पर ओवरलोड दिल्ली से लेकर अलवर तक का मेन रोड ये है, इस पर कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे बारे में मामले में? पुल की रिपेयर होनी चाहिए, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, लोगों की जिंदगी का सवाल है, यही करना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारी दुकानें हैं, हमको कभी भी इससे हादसा हो सकता है, कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। लोग बाग आते जाते और दिन भर यहाँ पर ट्रैफिक चलता रहता है, नुकसान की संभावना है। इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पुल को ठीक करना चाहिए। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जिले के नानपारा इलाके में मासूम के साथ एक अधेड़ शख्स ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं जानकारी के मुताबिक मां अपनी मासूम बच्ची को लेकर खेत गई हुई थी, तभी पड़ोस के रहने वाले 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मासूम बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। जी, नानपारा थाने के क्षेत्रांतर्गत आज ये लगभग 1 वर्ष की बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय आदमी द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई है और जैसे ही इसका घटना का की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल टीम्स फॉर्म कर ली गई थी इसकी गिरफ्तारी हेतु और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में डिटेन्ड है, उसे पूछताछ की जा रही है और बच्ची को तत्काल उपचार के लिए पहले CHC ले जाया गया, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। अभी बच्ची स्टेबल है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत गंभीर चोट है, लेकिन फिर भी और बेहतर इलाज के लिए ताकि और अच्छे पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट बच्ची को एक बार एग्जामिन कर लें क्योंकि बहुत छोटी है, उसको लखनऊ रेफर करा रहे हैं और पुलिस अभी जल्द ही लेके जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे नवतेज TV। नमस्कार।